नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, बुखार के वक्त ब्लड प्रेशर के बारे में। देखिए, जब भी किसी को बुखार आता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, तो बुखार आने के समय और कुछ अगले 3-4 दिनों तक बीपी थोड़ा सा कम होता है, पड़ता नहीं है, कम होता है। जनरली क्या होता है, जिन लोगों की बीपी की दवाइयाँ चल रही हैं, जब बुखार होता है तो वो डॉक्टर के पास चेक कराने आते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि उनका बीपी कम हो रहा है, तो वो फिर अपनी मर्जी से अपनी दवाइयाँ छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुखार के वक्त कुछ खाना खाने में कम आता है, उल्टी की इच्छा होती है और दस्त हो जाते हैं, और बुखार के कारण भी ये तीनों चारों कारण मिल जाते हैं तो आपका बीपी थोड़ा सा कम आता है कुछ दिन के लिए। लेकिन ये कुछ दिनों के लिए ही बीपी कम आएगा, जैसे ही आपका बुखार ठीक होगा, आप ठीक होंगे, तो आपका बीपी वापस बढ़ना चालू हो जाएगा। इसलिए अगर आपको डॉक्टर ने बीपी की दवाई लिखी है तो आप उसको नियमित लें, उसमें गैप ना करें। अच्छा, कुछ लोगों का बीपी जो 110 या 70 रहता है, और जब उनको बुखार आता है तो उनका बीपी थोड़ा सा और कम हो जाता है, तो उसे आप हार्ट की बीमारी से जोड़ के ना देखें। आपको करना क्या है उस समय, आपको सबसे पहले तो आप जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं उनको एक बार चर्चा करें, और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए तो वो बीपी है आपका अपने आप सामान्य हो जाएगा। क्योंकि आपको कोई हार्ट की बीमारी है तो ही दिक्कत होनी है, और अगर नहीं है तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आप खाना खाएंगे, पानी पिएंगे और डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू।